फ्रेंड्स, क्या आपने इस प्रकार से कभी शेर कोरमा यानी कि सेवई की रेसिपी बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो चलिए आज देखते हैं वही रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है, जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। और ये मैंने बनाया है हेल्दी वे में, यानी कि गुड़ से मैंने इसे बनाया है। वैसे तो गुड़ से आप कोई रेसिपी बनाओ और दूध वाली हो तो वो फट जाती है, ऐसा लोग कंप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आपको गुड़ यूज़ करना है तो उसकी एक अलग मेथड होती है, तो वही आज हम देखेंगे। हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे सेवई ली है। आप चाहो तो जो अभी ईद में सेवई यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने वर्मीसेली जो आती है वो यूज़ की है। तो उसके लिए मैंने एक भारी तले वाला, कोई भी भारी बॉटम हो ऐसा कोई भी आपको पैन ले लेना है। मैंने ये कढ़ाई ली है नॉन स्टिक वाली, तो उसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। घी मेरे पास गाय का शुद्ध घी घर का बना हुआ था, वही मैंने यूज़ किया है। और वैसे भी चैत्र नवरात्रि चल रही है फ्रेंड्स, तो मीठा बनाना तो बनता है, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने रोस्ट करने के लिए ड्राई फ्रूट डाल दिए, जिससे मैंने चॉप करके रखे हुए थे। वैसे आप चाहो तो ड्राई फ्रूट को रात भर के लिए भिगो कर सुबह में उसमें से छिलका उतार कर उसे चॉप कर सकते हो, तो ये आपको छिलने में और चॉप करने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से आप चॉप करके उसे अच्छे से रोस्ट कर ले, जब तक इसमें से अच्छी वाली अरोमा ना आए तब तक हमें इसे लो फ्लेम पर सेकना है। लो फ्लेम पर ही हमें इसे रोस्ट करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो जल जाएंगे, अच्छे से सिकेंगे नहीं। और इस प्रकार से अगर आप घी के अंदर सेक कर इस प्रकार से रोस्ट कर कर डालोगे तो इसके टेस्ट का टेस्ट जो है बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी हमारी ये वर्मीसेली की रेसिपी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन इस प्रकार से डालोगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट के अंदर बादाम लिए है, काजू लिया है, पिस्ता लिया है, और लास्ट में मैंने डाला है खजूर। खजूर आप कभी भी स्किप ना करें, खजूर को छोटे छोटे पीसों में कट करके इसके अंदर डालें, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हेल्दी तो कितना है आपको पता ही है, तो ये कभी भी आप मिस ना करें, यहाँ पे खजूर ज़रूर से डालें। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले हमें सेक लेना है, हल्के हल्के हाथों से ही इसके हमें सेकना है, ताकि ये जो ड्राई फ्रूट है अच्छे से सीक जाए, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक साइड में दूध का पतीला जो है मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे करीब करीब 1.5 लीटर दूध लिया है, जो मैंने पहले से ही बॉईल कर रखा है, अच्छे से वो गर्म हो रहा है और कुक होते हुए थे वो 1 लीटर के करीब हो चुका है। तो इतना दूध मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो भैंस का दूध भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये गाय का ही दूध था तो वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हुआ। और कितना यम्मी बना है तो आप देख कर बता ही सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने वर्मीसेली ले ली है जो 1 कप के करीब है, जिसे मैंने 2 चम्मच घी डाल के उसे अच्छे से रोस्ट किया है। देखिए इसे हल्के हल्के हाथों से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है, कभी भी हाई फ्लेम ना रखें फ्रेंड्स, वरना आपकी वर्मीसेली जो है जल जाएगी, ऊपर से लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से सिकेगी नहीं। तो इसकी ये मेथड प्रॉपर से आप फॉलो करें फ्रेंड्स। कोई भी रेसिपी हो फर्स्ट टू एंड तक आप स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर से देखें, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी, तभी आप कोई स्टेप मिस नहीं कर पाओगे और अच्छे से आप रेसिपी बना पाओगे। देखिए हमने दूध जो उबल रहा था उसे साइड पे ले लिया, और वहाँ पे भी दूध अभी उबल दूसरे गैस पे मैंने लगा दिया है। और साइड में मैं यहाँ पर गुड़ ले लिया मैंने 1 कप, और उसे मैंने एक पैन के अंदर डाल दिया। उसके अंदर 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है गुड़ का सिरप। डायरेक्ट हम गुड़ डालेंगे गरम दूध के अंदर तो हमारा दूध जो है फट जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे सिरप बनाना है। और सिरप का यूज़ हम इसके अंदर बाद में करेंगे, वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आप रेसिपी को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर से देखें। तो इस प्रकार से हमें सिरप भी बनाना है, एक तरफ दूध भी बॉईल करना है और एक तरफ हमें सेवई भी सेकनी है, तो तीनों ही काम साथ में हो रहा है, देखिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वर्मीसेली को अब धीरे धीरे लो फ्लेम पर ही
कुक करें, ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें वरना वर्मिसेली जल जाएगी। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ फ्रेंड्स अभी। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो का थैंक्स यहाँ पे जाता है यूट्यूब का जगदीश पटेल और तरुणा बेन जो अहमदाबाद से है, उन दोनों को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा, थैंक यू, मोस्ट थैंक्स फ्रॉम मी। तो आगे भी आप सब मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहोगे ऐसी मुझे आशा है। आप ऐसे ही जुड़े रहे हो इसके लिए थैंक यू, और आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहोगे ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए देखिए, हमारा सिरप भी बन रहा है। सिरप को अच्छे से हमें कुक करना है जब तक इसमें से पानी जो है वो आधा के करीब उड़ ना जाए, तब तक हमें सिरप बनाना है। सिरप ज़्यादा कुक करना है हमें, पानी इसके अंदर से निकाल देना है, ऐसा सिरप बनाना है हमें। देखिए मैं आपको बताऊंगी, और फिर देख लीजिए हमारा ये वर्मिसेली जो है उसे भी हमें हल्के हाथों से रोस्ट करना है। तो दोनों ही चीज़ें साथ में हो रही है, दूध भी बॉईल हो रहा है, और मेरा तो यहाँ पे साथ में मैंने कढ़ी बना रखी थी, वो भी बर्तन रखा हुआ है, वो भी कढ़ी भी उबल रही है मेरी। तो अभी हमें कढ़ी पे फोकस नहीं करना है, लेकिन हमें ये सिरप देखना है। सिरप जो अच्छे से हो जाए तो अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और वर्मिसेली को हमें अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से कुक करना है। और इसे कुक करना है, साइड में हमें दूध भी उबालने के लिए जो रखा था उसके अंदर हमें सैफ्रन भी डालना है। तो हमने यहाँ पे सैफ्रन डाल दिया, आप चाहो तो अलग से दूध निकाल कर उसके अंदर भी सैफ्रन डालकर आप रख सकते हो, लास्ट में डाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट इसी के अंदर डाल रही हूँ, तो इसके अंदर इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही आ जाएगा। तो मैंने उबलते हुए दूध के अंदर सैफ्रन भी डाल दिया है, सिरप भी हमारा हो चुका है, तो उसकी गैस को मैंने बंद कर दी है, दूध उबल रहा है, और साइड में हमारी वर्मिसेली जो है अच्छे से कुक हो रही है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक हमें इसे कुक करना है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप को मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक करना भूले नहीं फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनती है। तो देखिए, और हाँ फ्रेंड्स, मुझे जैसे आपने यूट्यूब पे सपोर्ट किया है वैसे ही मुझे एफबी पे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, तो आप सब मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करें। देखिए हमारा दूध उबल चुका था और वर्मिसेली अच्छे से कुक हो चुकी थी, तो मैंने ये दूध जो है वर्मिसेली के अंदर ऐड कर दिया है। देखिए अब इसे हमें अच्छे से, अब हमें हाई फ्लेम कर देना है और लगातार चलाना है। पहले हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर करना था, अब आगे हमें हाई फ्लेम पर कुक करना है ताकि दूध जो है अच्छे से उबल जाए। दो तीन बार ये अच्छे से उबल जाएगा तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, आप देखोगे। देखिए ये उबलने लगा है तो ये गाढ़ा भी होने लगा है। देखिए ये अच्छे से उबल रहा है, 5-6 उबाल इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा तो ये गाढ़ी हो जाएगी हमारी सेवई। लेकिन हमें यहाँ पे शुगर ऐड नहीं करना, वैसे आप शुगर में बनाना चाहो तो इस स्टेप पे आप शुगर डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंडेंस मिल्क भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन कंडेंस मिल्क आपको लास्ट में डालना है अगर डालना है तो। लेकिन मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबके घर में ये पॉसिबल नहीं होता, सब अफोर्ड्स नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे नॉर्मल वे में, हेल्दी वे में बनाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। देखिए तो मैंने बातें करते करते यहाँ पे सैफ्रन का जो है, सैफ्रन तो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ ही था, लेकिन मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दिया बातें करते करते। और मैं यहाँ थोड़ा सा सेवई निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे वेद को जो है ड्राई फ्रूट वाला पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिना ड्राई फ्रूट के ही सेवई पहले थोड़ी सी निकाल कर साइड में रख देती हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, और थोड़े से ड्राई फ्रूट को मैंने लास्ट में गार्निश करने के लिए बचा रखा है। देखिए अब ये हमारी वर्मिसेली रेडी हो चुकी है, गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और अब हमें इसे ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाए तब ही हमें आगे की प्रोसेस करनी है, गर्म में अब हमें आगे की प्रोसेस नहीं करनी, तो इसे हमें थोड़े देर के लिए ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा आ जाइए तभी हमें आगे की प्रोसेस करनी है, वरना ये जो है दूध फट जाएगा। देखिए मैंने जो दूध वाला पतीला था उसी के अंदर वेद के लिए
निकाल ली है सेवई। देखिए अब ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा सिरप जो हमने गुड़ से बनाया था। अब ये गुड़ वाला सिरप जो है ये बहुत ठंडा हो चुका है, ये अब इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर देंगे। दोनों ही बर्तन के अंदर मैं ऐड करूँगी ताकि दोनों में टेस्ट आ जाए, स्वीटनेस आ जाए। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप कंडेंस मिल्क ऐड करना है तो वो भी आप इसी स्टेज पर कर सकते हो। कंडेंस मिल्क भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं गुड़ वाला बना रही हूँ इसलिए मैंने गुड़ का सिरप ऐड किया है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दोनों ही चीज़ों के अंदर मैंने ये ऐड कर दिया है, जितना भी सिरप था हमारे पास। परफेक्ट मेज़रमेंट है फ्रेंड्स, अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाओगे ना तो आपकी वर्मी सैली जो है गारंटी है मेरी पहली बार में ही बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें, बनाएं। ये बनाना तो बनता है, वैसे भी नवरात्रि चल रही है तो मीठा तो बनाना बनता है सभी के घर में। तो मैंने आज ही ये बना ली और हमें तो बहुत पसंद है, टेस्टी बहुत लगती है। और मुझे तो पर्सनली मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है, वैसे स्वीट बहुत पसंद नहीं है, लेकिन ये वर्मीसेली की रेसिपी जिसे हमें शेर कुरमा भी बोलते हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है। आप इसे कभी भी एंजॉय कर सकते हो, ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो, और इसे आप ठंडा करके एकदम चिल्ड बनाकर भी आप इसे सर्व करें। और आप किस प्रकार की वर्मीसेली बनाते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं ताकि मुझे भी कुछ नया आइडिया आए। और आप किस किस प्रकार की वर्मीसेली की रेसिपी देखना चाहते हो ये भी आप अगर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में तो मुझे भी कुछ आसानी रहेगी नए वीडियोस लाने में। और फ्रेंड्स कमेंट करना भूले नहीं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देती है, तो कमेंट करना कभी भी ना भूले फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन।